आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को आईफोन का लुक कैसे देंगे? जैसे कि मेरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, मैंने इसका आईफोन का लुक दिया। बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। उस ऐप का नाम है कंट्रोल सेंटर सिंपल, एक ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। अब देख लीजिए इसका ऐप का नया, मैंने लोगो देख लीजिए, आपका नया लोगो जो है ऐसा रहेगा लोगो। इस लोगो को आप देख लीजिए, देख कर आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं अभी डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक पहले वीडियो को प्ले होगा, ऐड प्ले होगा, उसके बाद ही मैं ऐप को यूज़ कर पाऊँगा। 5 सेकंड का ऐड रहेगा, आप बहुत जल्दी ऐप प्ले हो जाता है और जल्दी भीड़ में खड़े खड़े झूले पर पड़े पड़े आज हलचल है। अभी जैसे ही मैं ऐप को ओपन करता हूँ, ऐप पे सेटिंग्स में आएगा लैंग्वेज सेटिंग। मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करके ऊपर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। करने के बाद जैसे स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें परमिशन मांगता है सेटिंग नोटिफिकेशन का। फिर ऐसा आपके पास इंटरफेस आएगा कैमरा एंड ब्लूटूथ का, इसको आपको परमिशन देना होगा। पहले दे दिया, फिर इसको दो बार देना होता है, अलाउ कर दिया। फिर नोटिफिकेशन का एक परमिशन देना होता है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, इसको मैं कंट्रोल सेंटर सिंपल, इसको मैं ऑन कर दिया। करने के बाद फिर ड्रो अदर ऐप, इसको भी मैंने परमिशन दे दूंगा। जैसे कंट्रोल सेंटर अदर, इसका भी मैं परमिशन दे दिया। फिर राइट सेटिंग, इसका भी परमिशन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। सब अलाउ करने के बाद फिर एक्सेसिबिलिटी में जाके फिर इसको ओके, फिर एक्सेप्ट टर्म्स, जितना भी जो भी टर्म्स है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे दो है, दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ, दोनों को मैं ऑन कर देता हूँ। इसे ऑन कर दिया, अभी ये मेरा इंटरफेस जो है, सॉरी, इस ऐप पे प्ले हो गया था। फिर देखिए नीचे ऊपर इनेबल कंट्रोल सेंटर, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। करने के बाद अभी नीचे देखिए ये जो ओरिएंटेशन है, इस सेटिंग्स में जाना, जाके इसको ऑन कर प्ले। और जैसे इस सेटिंग्स में जाऊँगा, इसमें भी एक वीडियो प्ले होगा। वीडियो जब तक ख़त्म होता है मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। इसलिए अभी मेरा ऐड ख़त्म हो गया। तो अभी आप जो कलर है, इसको आप ब्लैक है, इस ब्लैक से आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करके रख दीजिए। जैसे कि मैं अभी इसमें जाके रेड कर देता हूँ, करके ओके कर देता हूँ। फिर जो विथ है इसको फुल कर दूँगा मैं, और हाइट जो है मैं इसको भी फुल कर दूँगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो मोबाइल के ऊपर जो है ना कॉर्नर में, देखिए रेड एक लाइन आया है। मैं जब भी इस रेड लाइन के साइड से जब भी मैं ऊपर से स्क्रॉल स्वाइप डाउन करूँगा, तो आईफोन का लुक आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी मैं बैक कर लिया। अभी जब भी मैं इस साइड से करूँगा, जहाँ पे मतलब लाइन आया रेड का, वहाँ से आईफोन का लुक आएगा। अभी अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ, तो जो मेरा नॉर्मल डिवाइस का जो फंक्शन है वो ये करेगा। और जैसे मैं राइट साइड करूँगा, तो आईफोन का जो लुक्स है वो आ जाएगा। अब इसको जो ऊपर का लाइन है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओरिएंटेशन में जाना होगा। जैसे जितना बार मैं ओरिएंटेशन में प्ले करता हूँ, उतना भी ऐप प्ले होता है। तो अब फिर से मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ मंदिर के लिए। जैसे मेरा ऐप ख़त्म हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं जब भी विथ जो है इस लाइन को मैं जब भी छोटा करूँगा, तो ऊपर का जो लाइन है, ऊपर का जो लाइन है वो भी छोटा होता रहेगा। आप देखिएगा जैसे जितना छोटा करता हूँ, ऊपर का लाइन देखिए उतना छोटा हो रहा है, ऊपर का उतना लाइन ही छोटा हो रहा है। तो जहाँ पे वो मेरा रेड लाइन है, उस वहाँ से अगर मैं स्वाइप डाउन करूँगा, तो आईफोन का लुक आएगा। और बाकी अगर दूसरा साइड में करूँगा, तो मेरा नॉर्मल डिवाइस का लुक आएगा। अब मैं इसलिए इसको फुल कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा रहे। तो राइट साइड में मेरा आईफोन का लुक के लिए मैं करूँगा, और लेफ्ट साइड में अगर करूँगा, तो नॉर्मल मेरा जो लुक है वही आएगा। तो बहुत ही सिंपल है। एक और सेटिंग है, जैसे कि अब कस्टम कंट्रोल जो में है, इसमें अभी जाके, अब जैसे कि मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है, इसमें अगर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे ग्लरी ऐड कर सकता हूँ। ग्लरी ऐड करने से देखिए नीचे ग्लरी आ जाएगा, ये देखिए नीचे ग्लरी आ गया। इसको मैं अगर रिमूव कर देता हूँ, तो ऊपर से ग्लरी हट जाएगा। ऐसे आप अगर यहाँ पे कस्टम आप सेट कर सकते हैं, जो जो आपको रखना रख सकते हैं।